देगा नहीं और बाप का माल अगर बच्चों के काम नहीं आया तो तिजोरी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा यार। हाँ, और बाहर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथों में हथकड़ियां लगेगी, घर में पकड़े गए तो कहेंगे डैडी हम तो मजाक कर रहे थे। मैं पहले ही जानता था कि तुम लोग कभी भी कमीनेपन पर उतर सकते हो, इसलिए अपने बचाव के लिए मैंने पहले ही सिर्फ ढाल बना लिया था। राय साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो इनके कहने पर मैंने कसम से ना। ये आपको कुएं में कूदने के लिए कहेंगे आप कूदेंगे? ताला भागो। हम ताला गुन्नू गुन्नू भागने के सारे रास्ते बंद है। पागल है, चारों तरफ ताले लगाए। मैंने लगाए ताकि इस बार तुम्हें घर से निकालने से पहले तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई कर सकूं। आज तो तुम लोगों ने बदमाशी में शैतान को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तो अपने ही घर में चोरी की। सॉरी डैड। कल डाका डलवाओगे? ना ना। परसों मेरा खून करवाओगे? नहीं नहीं डैडी, आखिर आप हमारे बाप हैं, हम आपके बेटे हैं। वो कल तक था, आज से ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तुम मेरे बेटे हो। डैडी आपको कोई एक रिश्ता रखना पड़ेगा, या बाप वाला या बेटे वाला। क्या बोला? वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वरना हम आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में भी सोचा। अरे दादी को मार रहा है मेरे बच्चों को। दादी दादी मैं समझाओ। अरे अपने आप को इतना बड़ा बॉक्सर समझता है तो एक एक ग्लव दे दे मेरे पोतों के हाथ में, फिर देख क्या होता है। ग्लव और अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी कर लो। नहीं नहीं दादी, हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं। पीछे के दरवाजे से भाग जाते। लेके भाग रहा था गाड़ी? ये तेरे चाचा की गाड़ी नहीं है, पनौन बंदरों की है। वो तो पीछे के दरवाजे से कूद के भाग गए होंगे। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे पास कैद में रहोगे। चल और चलो आ जाओ अंदर, मैं तो बहुत मारूंगा। चल चल भाग जाता हूँ तेरी गौरी शंकर की इज्जत का सवाल है। कुछ मर गया है हमारे भैया, पहले तू तो मटका फिर हवा में जाकर लटका फिर यहाँ लाकर पटका, हम हो गए हटका पटका और मुंह में आ गया पटका। अरे पटका पटका मुझे
ले बजरंग बली, बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले, राम 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 मोती भागवा भागवा हाँ साला बदमाश कहीं का बहुत होशियार बदमाश गौरी शंकर तू? अरे बजरंग बली हमको क्षमा कर दो प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे मोरे गौरी शंकर, नुकसान हमार हुआ, छत हमरी टूटी, ये हालत में तुमने हमका देखा और माफी मांगो तो अपने बजरंग बली से। तुम भी हमको माफी दे दो चंद्रमुखी, मगर ये सारी गड़बड़ तुम्हारे कुत्ता के कारण हुई है, इसलिए हम गलती से ही आ गिरे। ये गलती तूने पहले काहे नहीं की गौरी? ये व्यवस्था देखो चंदा रानी, हमरे संग ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करो, तनिक दूर रहो हमसे। हाँ खबरदार, जो हमारे साथ हवालदारी दिखाई तो शोर मचाई के सारे गांव को इकट्ठा कर लेंगे। बेशरम कही के पहले तो कुंवारी लड़की के घर माँ छत से भीतर आवत हो और ऊपर से कोतवाली दिखावत हो। ए गौरी शंकरा, तुहे तो गलती का जुर्माना देना ही पड़ेगा रे। अरे तुमको जो लेना है ले लो भैया, हमारा पीछा छोड़ो। तो जल्दी से चुम्मी दे दे। अरे बाप रे बाप, ये व्यवस्था चुम्मी। तुम तो बड़े लुच्चे निकले गौरी शंकर, हमको नहीं पता था चुम्मी के नाम से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। हमारे हाथ लगने से का बिजली का करंट लागत है। चंद्रमुखी, अरे ओ चाचा, आज फिर गौरी शंकर ने हमार मत की तोड़ दी। हाँ भगवान, अब का बोले बिटिया, हम तो थक गए ही ना समझ को समझाई समझाई के। अरे समझाना कौन ही मुश्किल है चाचा, अगर तुम कहो तो एक मिनट में हम समझाई देऊ को। क्या समझाएगा बे, क्या समझाएगा तू? देखा चाचा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कब बात करते हो, हमरे संग बात करो, हम सब जानत है कि इन लोगों को भड़का कर तुम ही यहाँ लेकर आते हो। देखो ये सब हरकत बंद करो, वरना गौरी शंकर की खोपड़िया घूम गई ना तो लेना कर देना पड़ जाएगा। अरे तुहार खोपड़िया घूम गई तो तू क्या कर लेगा हमारे? हाँ हाँ, अरे क्या कर लेगा, अरे क्या कर लेगा? कोई ज्यादा नहीं करेंगे भैया, तुहार मुँह तोड़ देंगे। तू एक दिन हमारा सर्वनाश करके रहेगा। अरे हम तंग आ चुके हैं तेरी ढींगा मस्ती से, तेरी मारामारी से, इसलिए आज के बाद भैया हमारे घर का दरवाजा तोड़े लिए बंद, हमारे घर का दाना पानी तोड़े लिए बंद। चल जा जा जल्दी हो जा। अरे तो जाते हैं जाते हैं, तो चल आते जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। क्या सोचते हैं घर से बाहर निकाल देंगे तो गौरी शंकर को दाना पानी नहीं मिलेगा क्या? अरे बहुत पड़े हैं, बहुत पड़े हैं वाले हमको, मगर इस तरह पूरे गाँव वालों के सामने भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है गौरी शंकर। अरे क्या सुने गौरी शंकर, बात बात पे घर से बाहर निकाल डालते। चलो निकलो हटो, जैसे गौरी शंकर की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे हमको पहले पता लग गया था कि इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है, हम जा रहे। अरे गौरी, तुम तो ऐसे प्रसन्न दिखाई दे रहे हो जैसे बम्बई अपनी दोस्त बिरजू की लगन में नहीं बल्कि अपने ही लगन में जा रहे हो। अरे तो आप सो जाइए भाई साहब, आप सो जाइए। अरे बिरजू हमारे बचपन का एक ही दोस्त है, प्रसन्न नहीं होंगे का? और वैसे भी हमको बंबई देखने का पहली बार मौका लग रहा है। अरे वो सब तो ठीक है गौरी भैया, स्टेशन नजदीक आ रहा है और हमका भूख लगी है। अभी लाते हैं। उन्हें ये समोसा कैसा दिया? एक रुपए का एक।
बांध दो दस्तर जरा। अब ये देख। अरे शक्ल तो वही है लेकिन आदमी वो नहीं है। भैया लगता है। अबे भैया लगता नहीं है, भैया ही है। सिर्फ चोटी काटो, बाल खचा खच। 50,000 रुपए का इनाम। कैसी रही? अच्छी रही। कैसी हिले? राम जी की भैया। राम जी की भैया। कौन गांव के हो? हम। हाँ हंडिया। हंडिया तभी खुशहाल नजर आ रहे हो। वो इतने 10-10 समोसे, वो भी 5 रुपए का एक समोसा। 5 रुपए का एक नहीं भैया, हम तो 1 रुपए का एक लेके जा रहे हैं। काहे मजाक कर रहे हो? उस ससुराल तो हमका 5 रुपए में एक देता है। ऐसा? हाँ आप शकल से ही थोड़े बेवकूफ लगते हो, इसीलिए ससुराल ठग लिया। हम तो 1 रुपए में एक लेके जा रहे हैं। अरे भैया आप 2.5 रुपए का एक हमका दे दियो। कैसी रही? बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया। यानी के एक समोसा के पीछे हमको 1.5 रुपए का मुनाफा होना बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया। ऐसा करो पूरे के पूरे हमका दे दियो और अब आप हिसाब जोड़ो। देखो एक का हो गया 2.5 और 2 का हो गया 5 और 3 का हो गया 7.5 और 4 का क्या हुआ? अरे हमारी ट्रेन छूट गई रे। गाड़ी? अरे कोई रोको रे भाई, गाड़ी स्टेशन में रह गया। अरे गाड़ी की छबिया। अरे गाड़ी चंद्रमुखी छोटे भैया काहे को रात हो? हम तो हर का बंबई पहुंचा दिया। अरे हम बंबई पहुंच कर क्या करेंगे, हमारे पास तो बिरजू का पता भी नहीं है। यहाँ एक बाबा रहते हैं, वो बिछड़ों का पता बता दिए थे। कैसी रही बाबा? चिंता मत कर बच्चा, पता मिलेगा सच्चा। 10 मिनट के लिए अपनी आंखें मूंद, मिलेंगी तुझे ज्ञान की 10 बूंद। कैसी रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे बालों के साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है? आवाज मत कर बच्चा, अगर टूट गया ध्यान तो कैसे मिलेगा ज्ञान। कैसी रही? बहुत बढ़िया। आग बंद कर। बच्चा अब तू अपनी आंखें खोल और कैसी रही ये मुझको बोल। कौन है? छोटे भैया। हंडिया हंडिया। कैसी रही? कैसी रही? ये कैसी रही? भैया भैया कहाँ जाते हो भैया? ये कैसी रही? कैसी रही? इस शहर ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारे बाबूजी, हमारी मूछे, हमारी चुटिया, हमारा सब कुछ और हमारी चंद्रमुखी। चंद्रमुखी चंद्रमुखी। अरे हम कहाँ जाए, किधर जाए? अरे कहाँ से ढूंढे बिरजू का पता है? बुन्नू, आई, कौन है बताओ? कहाँ चले गए थे तुम बुन्नू? अरे कौन बुन्नू, कैसे बुन्नू, कहाँ गले पड़ रही हो माई? बुन्नू बंद करे हंसी मजाक, जानते हो तुम्हारी वजह से घर वाले कितने परेशान है? अरे घर वाले का परेशान है, परेशान तो हम है, मगर आप हमारे घर वालों को कैसे जाना? तो ये फिर ड्रामा कर रहा है। देखो बुन्नू। अरे कौन बुन्नू? हमारा नाम गौरी शंकर है, हम अपने दोस्त बिरजू का पता ढूंढ रहे हैं भाई। बिरजू? बिरजू का घर? हाँ हाँ, तुम्हें ले चलते हैं बिरजू के घर। ऐसा बोलना था ना भाई? अरे चलो आप लोग हमारे दोस्त बिरजू को जाना। अरे क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छी तरह। चलो चलो बिरजू हम आ रहे हैं। कौन है ये बिरजू? बिरजू बिरजू यार खामा का तुमने मुझे हैरान कर रहे, परेशान कर रहे जा रहे हो। कभी समय समझा रहा हूँ इन लोगों को, मेरी बात ही नहीं मान रहे। खामा का पता लगा रहे हो? समझाओ भैया, ये हमारा होने वाला दूल्हा है और हमारे साथ चलने को इनकार कर रहा है। ये तुहार दुल्हन है, तू का मर्द हो बेटा। भैया हो गए बम भैया। वाह बिटुआ, चुप लगाई धक्का मत मुझे, देखो देखिए चुप। चलो अंदर। अरे तनिक प्रेम से गौरी, अरे हमारे दोस्त के घर में लाई हो या किसी जेल खाने में? अरे बाप रे बाप, ये व्यवस्था! अरे इतना बड़ा घर किसका है? अरे तुम्हारे पिताजी का है। अरे वाह, अरे कहाँ हमरे हंडिया की झोपड़िया और कहाँ ये इतना बड़ा महल। अरे लगता है ये बिरजू ससुरा शहर में आकर कोई भयंकर चोर हो गवाह है, क्योंकि इतना बड़ा महल तो चोरी के पैसों से ही बनता है ना। अरे बिरजू कार बाहर निकल। तू आगे बैठे। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी बाबूजी चलो तो आपसे बिछड़ कर कहां भया हमारे संग। अरे तेरे जैसे नालायक बेटे जो बाप को सताते उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। कभी तो जी मैं तो बार बार रास्ता फोड़ दू।
कहता हूँ जाने दो, अभी क्या है कोलू के बैल की तरह चक्कर लगा रहा क्या है? अरे बाबू जी, इस शर्मा के आपको कहाँ होएगा वहाँ? क्या हुआ? अरे आपका बोलने का, आपका कपड़े पहनने का सारा तरीका ही बदल गया। अरे अरे आपकी भी चुटिया किसने काट दी? कहाँ भी काट दी? किसने काटी चुटिया? किसने काटी? कौन था वो? सारे रास्ते हमें भी इसी तरह तंग करता है अंकल। अच्छा हुआ जो आपको पहचान तो लिया, वरना हमें तो पहचानने से भी इनकार कर रहा था। अरे क्या बात करती हो देवी, क्या हम अपने बाबूजी के सगर लाइव पहचानेंगे का? अच्छा ए बेटा बुन्नू। बुन्नू? ये बुन्नू कौन है बाबूजी? बुन्नू हम है। अरे तो ये लोग काय को हमको हैरान कर रहे हैं, इनसे कहिए ना कि हम गौरी शंकर है। गौरी शंकर? हाँ। देखा है गौरी शंकर, अपना नाटक बंद कर वरना मार मार के तेरे को गौरी शंकर से काली शंकर बना दूंगा। परेशान कर दिया तूने। समझ गए हम। अरे समझ गए हम क्या? आप हमारे बाप जी नहीं है, कोई और आदमी है आप? मैं तेरा बाप नहीं हूँ। नहीं, मैं उसकी शक्ल का दूसरा आदमी हूँ। हाँ। सुना मां? अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बुन्नू। अरे हम कोई बुन्नू बुन्नू मुन्नू नहीं, हमारा नाम गौरी शंकर है। ये घर में जो भी आता है फट से बुन्नू कहकर गले लग जाता है। और हाँ, हम सुने हैं कि शहर में लोग गले लगकर जेब काट लेते हैं। और बढ़िया, कहीं हमारी आंटी में से पैसा वैसा तो नहीं निकाल लिया? तनिक हाथ दिखाओ। तुमने दादी को चोर बोला? मुझे मालूम है ना, इसे आदत है मजाक करने की। बेटे ये तो बता कि तू अब तक था कहाँ? हंडिया में। हंडिया में क्या पक रहा था? कदे चुप रहे। कभी गधा, कभी बैल, कभी थप्पड़। बापू जरा हमारे संग तमीज से बात कर रहा। अच्छा, जरा मेरा बॉक्सिंग ग्लव लाना तो। अरे मुझे जरा तमीज से बात करनी है। नहीं नहीं खबरदार, जो मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने मारा तो। तेरे बच्चे को जब तक दो चार हाथ लगाता नहीं उसकी अकल ठिकाने पे आती नहीं। अरे ओ बड़ो, पहली बार तो हम तो का अपने बाबू जी समझ कर मार खा गए, मगर ये बार जो मारने का बात किया ना तो गौरी शंकर की खोपड़िया हिल हिला गई, तो तुम पिल पिला जाओगे राजा। हम पिल पिला जाएंगे? हाँ। क्या करेगा? हम वो अपना मारेगा मुझको? अपने बाप को चाकू मारेगा क्या? अरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हमको कोई सेब खाने दो भाई। एक तो सुबह से हम भूखे हैं, ऊपर से ये दोनों देवियां हमको उठा कर ही आले आई, ऊपर से हमको किसी ने पानी, अरे ऊपर से ये हमको मार रहा है, इसलिए हमको गुस्सा आएगा वहाँ। अरे वरना हम, अरे हम का अपने बाबूजी जैसे दिखने वाले आदमी के ऊपर कभी हाथ उठा सकते हैं बाबूजी? अरे बुन्नू तू तो बावला बाबूजी। हसमुख लगता है कि हमारे बच्चे पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, हमारा बुन्नू बावला हो गया है, या तो इसकी याददाश्त चली गई है।